प्रकार की हरियाली दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कितनी सुंदर। यह है ग्वार के पौधे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। दोस्तों बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे ये बात कहते हुए कि दोस्तों माय फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। यार अब तक फर्स्ट व्लॉग हुआ ही नहीं, 250+ वीडियो लगा दिए, आज कह रहा है माय फर्स्ट व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो लगातार, मतलब एक मंथली हो गया, दो मंथली हो गया, लगातार माय फर्स्ट व्लॉग एक ही एक वीडियो लगाए जा रहे हैं कि हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। अरे यार हम इंतजार कर रहे हैं कोई सेकंड व्लॉग भी डालो ना यार, क्या कैसे देखो, चलो होता रहता है सब कुछ। तो दोस्तों आज देख रहे हो आप मेरे वीडियो में, पीछे शानदार हरियाली, राजस्थान की पवित्र धरा में हम मौजूद हैं, तो बड़ी सुंदर हरियाली आप देख पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, मेरा भी ये फर्स्ट व्लॉग है तो आपको बहुत पसंद आएगा फर्स्ट व्लॉग, क्योंकि आज के टाइम में माय फर्स्ट व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो मैंने कहा माय फर्स्ट व्लॉग ही लगाते हैं, या दुनिया पागल हो गई या मैं पागल हो गया, पता नहीं क्या है। तो आप देख रहे हो बड़ा शानदार दृश्य देख रहे हो, हरियाली से हरा भरा, पीछे बाजरे की खेती है, ग्वार की खेती है, मोठ की खेती है, तीनों की खेती है। हमारे राजस्थान की पवित्र धरा में ज़्यादातर तीन खेती होती हैं, बाजरा, ग्वार, मोठ। बिरानी में ज़्यादा तीन ही खेती होती है, और नहरी में तो वैसे गेहूँ, मूंगफली, सरसों, चीना ये वगैरह वगैरह होते रहते हैं, लेकिन बिरानी में ज़्यादातर यही होते हैं। चने बिरानी भी होते हैं, चने ज़्यादातर बिरानी होते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो खड़ा हूँ, मैं गाँव से खेत की ओर जा रहा था तो बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये खेत आप देख रहे हो, ये मेरे पड़ोसी का खेत है, तो अब हम हमारे खेत में जाते हैं, फिर आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो चलते हैं खेत में दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली चलते चलते मुझे अब डंडी मिल चुकी है, डांडी मिल गई है। क्या आप समझते हो डांडी क्या होती है? नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, पगडंडी समझते हो पगडंडी, वही नहीं समझो तो मैं आपको बता दूं कि रास्ता, मतलब जो व्यक्ति पैदल चलते हैं, एक पैदल चलने का रास्ता होता है बनाया हुआ, उसे कहते हैं पगडंडी, यानी पैरों से बनाई हुआ रास्ता। हमेशा जाते हैं तो पैरों से वहाँ रास्ता बन जाता है ना ऑटोमेटिक, वैसे उसे बोलते हैं पगडंडी। तो मैं सीधा आया था ऐसे, और अब इधर से पगडंडी आ रही थी तो पगडंडी लग गया। पगडंडी में आसान होता है चलना, और सीधा बंगर में चलना बहुत कठिन होता है, पैर भूमि के अंदर फंसते रहते हैं, पॉली भूमि होती है इसलिए। तो अब चलते हैं हमारे खेत में। तो फाइनली दोस्तों अब हम हमारे खेत में पहुंच गए हैं, पीछे देख रहे हो यही हमारा खेत है। अब दोस्तों कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तेज़ आंधी चल रही थी, आज भी तेज़ हवा चल रही है। तो हम क्या होते, राजस्थान की भूमि होती है ना वो रेतीली इस प्रकार होती है, जैसे जैसलमेर की भूमि आप देखते हो, घूमने के लिए जाते हो तो देखते हो कि वहाँ की भूमि उडारू होती है, हम उडारू बोलते हैं, मतलब रेत होती है ना ये मिट्टी, ये एक जगह से दूसरी जगह ग्रहण कर लेते हैं अपने आप तेज़ हवा से, तो जो पौधे होते हैं वो उखड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इस प्रकार जब तेज़ आंधी चली थी, तेज़ हवा चली थी, तो ये आप सामने देख रहे हो बीघा, एक या दो बीघा के अंदर जितने भी ये टिल्ले थे बड़े बड़े, तो यहाँ पे जो पौधे थे वो उखड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, और बाकी सही है। तो इस प्रकार से भूमि में ज़्यादा ख़राब हो जाती तेज़ हवा से। तो कल भी तेज़ हवा चल रही थी, तो आज देखो ये पास में एक बोटी है, पौधा है, बोटी का पौधा मतलब पेड़ लगते हैं वैसे, उसके नीचे कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल गई, नीचे घाव हो गया, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल गई, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो इससे नुकसान होता है यहाँ की जो फसल होती है उसका। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो यहाँ का दृश्य, इसी प्रकार का दृश्य है, इसी प्रकार का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, एक ही एक छोटा सा, वैसे तो यार आप मजाक भी बनाओगे माय फर्स्ट व्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो दुनिया पागल है या मैं पागल हो गया पता नहीं, माय फर्स्ट व्लॉग भाई साहब, किसी ने 400 वीडियो लगा रखे हैं, किसी ने तो हज़ार हज़ार वीडियो लगा रखे हैं, जैसे मनोज देव हुए, काफ़ी लोग हुए,
माई फर्स्ट व्लॉग लगा रहे हैं, दो दो मिलियन सब्सक्राइबर है फिर भी लगा रहे हैं माई फर्स्ट व्लॉग। तो दोस्तों चलते हैं, इसी के साथ ये एक वीडियो बनाए मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ बातें आपने सीखी होगी राजस्थान की इस भूमि में किस प्रकार से खेती वगैरह आपने कुछ मेरे से सुना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय। हाँ एक चीज तो बड़ा तू भूल ही गयो, सब्सक्राइब करना तो तू भूल ही गयो, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लियो, सब्सक्राइब का बटन मिला है तो अभी सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दो। फिर मिला एक नए बेस्ट और से बेस्ट लेकर आएंगे एक नया वीडियो, नया व्लॉग। और जो पीछे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, एक दो फ़ोन है मेरे पास, एक फ़ोन जो मैंने नया परचेज किया था उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, कंपनी जाके वापस डेढ़ महीनों से आया है, तो आज उसी वीडियो से बना रहा हूँ, तो बहुत खुशी भी है, चलो वापस आ गया। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, बाय, थैंक्स।